आज हमारी पेपर वन की सेकंड डेमो क्लास है। आज हम करेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट कहते किसको है पता है आपको? नहीं, वेदर किसको कहते हैं पता है? जब हम मोबाइल में चेक करते हैं तो हम क्लाइमेट चेक करते हैं कि वेदर चेंज वेदर चेक करते हैं, तो वेदर होता है डेली बेसिस। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है वो वेदर का जो लॉन्ग फिनोमेना होता है ना उसको क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखने की जरूरत, वेदर वैसे बता देता हूँ कि क्लाइमेट कहते हैं इट मीन्स चेंज ऑफ क्लाइमेट विच अच्छा क्लाइमेट चेंज इट मीन्स चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज़ एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो क्लाइमेट में जो चेंज आता है ना उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये नेचुरली भी आ सकता है, जैसे नेचुरली कैसे आ सकता है, मान लो कोई वॉल्केनो फट जाए, ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि जो वॉल्केनो फटता है ना तो बहुत सारी राख उठती है ऊपर। अभी दो तीन साल पहले नहीं 2018 में देखा था, मीम्स भी बने थे 2018 में देखा था, 15 जून के आसपास अमृतसर में ना पूरा वो मिट्टी मिट्टी हो गई थी पूरे आसमान में और 3-4 दिन वो ऐसी रही थी, याद है आपको? ऐसा हुआ था। मीम्स पता है क्या बने थे इस पर? मीम्स बने थे रब कहिंदा ना मैं धुप कढूं ते ना मैं मीह पाऊं मैं घट्टा पाऊं ये मीम बना था उस पर। अच्छा, क्लाइमेट के ना ऐसे होता है, क्लाइमेट चेंज होता क्यों? क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब वो होता कैसे है? ये मान लो सन है, ठीक है, और ये अपना अर्थ, ठीक है, अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर होता है, इसका पता है? एटमॉस्फेयर कहते हैं किसको? हाँ, मतलब गैसेस को मिला के एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब सन रेज आती है ना यहाँ पे, जब अर्थ पे आती हैं सन रेज, तब वो होती हैं लो वेवलेंथ और हाई एनर्जी के साथ आती हैं। ठीक है, लो वेवलेंथ हाई एनर्जी, आप अगर साइंस के होते हैं ना फिर आप बहुत अच्छे से समझ जाते, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाएगा पर इतना उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो अर्थ का बीच में इसका एटमॉस्फेयर है ना, इसमें होती हैं गैसेस बहुत सारी। ठीक है, तो ये जब अर्थ की ये सनरेज आती है ना नीचे, तो ये मान लो जैसे ये सॉइल है अपनी, ठीक है, तो वो यहाँ पे हिट करती हैं, ठीक है, सॉइल से, और फिर ना रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, तो जो उनकी वेवलेंथ पहले क्या थी, शॉर्ट वेवलेंथ थी और हाई एनर्जी थी। हाँ, ये लिख लो, सनरेज शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद, आफ्टर एब्जॉर्प्शन हाई वेवलेंथ वीक एनर्जी, उधर स्ट्रॉन्ग एनर्जी लिख लेना। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, तो ये जो गैसेस होती है ना, ये इसको कर लेती हैं ट्रैप। ठीक है, अगर तो उसकी वेवलेंथ होती लॉन्ग फिर तो वो निकल जाती, अब शॉर्ट वेवलेंथ होगी ना, नहीं अब लॉन्ग होगी ना वेवलेंथ, हाँ, और एनर्जी इसकी कम होगी, एनर्जी कम होने की वजह से ये ऐसे, मान लो आप कि एनर्जी कम होने की वजह से ये ट्रैप हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसकी जो हीट थी ना वो अंदर ही ट्रैप रह गई, उस वजह से धीरे धीरे अपना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। दूसरी बात बना लो,
टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता जाएगा। अब दूसरा हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, ये अदरवाइज बुरी नहीं होती। अगर मान लो ग्रीन हाउस गैसेज ना हो ना, तो ये जो हीट होएगी ना, ये अंदर ट्रैप ही नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा अर्थ सर्दी रहेगी यहाँ पे हमेशा, और आम लोगों के लिए वो जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये अपने इक्विलिब्रियम में रहती अगर हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ बाकी जो गैसेज अभी लिखवाऊंगा इसमें, जो जो ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, अगर तो ये अपनी नॉर्मल प्रोपोर्शन में रहती तब तक तो सही है। हम क्या करते हैं कि ये जो इतना पॉल्यूशन कर देते हैं, उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हद सारे करवाऊंगा क्या होते हैं वो, तो उनकी वजह से, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये गैसेस बढ़ जाती हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप करती रहती हैं और अपना टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और ये सारा जो लॉन्ग फिनोमेना होता है उस वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। एक दिन से थोड़ी हो जाएगा वो लॉन्ग फिनोमेना होता है, उसी वजह से उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो अब सबसे पहले लिख लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो सारा मैंने अभी कहानी बताई ना, ये सारी कहानी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, मतलब लिख लो, मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट ऑफ, इट इज एन फिनोमेना, देखो, ऑफ ट्रैपिंग ऑफ सनरेज बाय ग्रीन हाउस गैसेस GHG which results into increase in normal temperature of earth. Which further lead to climate change. अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, एक ना टेबल बनाना। उसी में बना लो, पूरे पेज में बना लो। इधर लिखो ग्रीन हाउस गैस GHG, इधर आता है उसका शायद लाइफ टाइम, नहीं GWP, इसकी फुल फॉर्म लिखवाता हूँ, और आता है लाइफ टाइम, ऐसे बना लो, ज़्यादा लिखने वाला नहीं है इसमें। हाँ, इतनी एक जगह सही रहेगी। ये GWP की फुल फॉर्म लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि पोटेंशियल इसका मतलब होता है कि टोटल गैस जो 100 साल में जितना वो हीट एब्सॉर्ब करेगी उसको कहते हैं। ठीक है, लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, बाद में लिखवा दूंगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाम लिख लो, भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा ना। ठीक है, इसका ये होता है 1 यूनिट में होता है, और ये होता है 50 to 200 ईयर्स। मतलब ये एक बार मान लो हमने एक यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड की एमिट कर दी, वो रहेगी 50 से 200 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद होता है मीथेन CH4, इसका पोटेंशियल होता है 21। लाइफ टाइम होता है 12 ईयर्स।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें बताता हूं क्वेश्चन अगर आया ना तो कैसे आएगा, ये लिखिए 120 इयर्स। फिर है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये होता है 142 70 years। फिर आते हैं पर फ्लोरोकार्बन्स, फ्लोरो कार्बन्स। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ना पहले यूज करते थे, तो एक ना अमेंडमेंट आई थी किगाली एग्रीमेंट आया था किगाली। हाँ, दो प्रोटोकॉल्स भी करवाऊंगा आज आपको, कल मैंने बोला था ना बाद में करवाऊंगा। किगाली आया था, उन्होंने बोला कि अगर हम ये करते हैं ना, ये एमिट करते थे तो इस वजह से ना ओजोन लेयर को खतरा हो रहा था, तो उन्होंने बोला इसकी जगह ये यूज़ करो। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी खतरनाक है, और जितना खतरनाक ये था उतने ये नहीं थे। फिर आता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, आता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड 100 वो बर्निंग कहीं से भी हो सकती है ना, मान लो वैसे जला दें, डिफॉरेस्टेशन करके लकड़ी जला दें, अदरवाइज भी डिफॉरेस्टेशन कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो व्हीकल से जो वो आता है एग्जॉस्ट से उसका जो धुआं आता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो किसी भी तरह की बर्निंग हो तो उसको उससे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखो मिथेन का डीकम्पोजिशन, ऐसे कर लो, इसके इधर लिख लिए ना, मिथेन वाले के इधर लिख लो। अच्छा, आपने जगह ही कम रखी, मैंने इसलिए कहा था खुले खुले बनाओ। डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ये जो हम फूड वेस्टेज करते हैं ना, या किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट, मान लो अगर हम फूड वेस्ट करते हैं या फिर कोई जानवर मर गया उस वजह से, तो वो जो सारा वेस्ट होता है ना, जितना भी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में आती हैं, तो उनका जितना भी वेस्ट होता है ना उससे ये गैस निकलती है मीथेन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का लिखो, इसका भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दूसरा इसका मेन जो है फर्टिलाइजर्स में वो कहते हैं ना NPK डालना होता है, नहीं पता, ये तो करवाते हैं आपको कॉमर्स में क्योंकि एग्रीकल्चर होता है,
एग्रीकल्चर वाला चैप्टर नहीं होता, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाँ 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 वो वाले, वो वाले आपने कौन से समझे थे, आपने कौन से समझे? अच्छा अच्छा हाँ वही वाले, वही वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। लिखो, ये जो हम रेफ्रिजरेटर्स में गैस डालते हैं ना, या एसी में जो गैस डलती है, उसमें पहले यही होते थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो लिख लो, फायर रिटार्डेंट्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, जिसमें भी स्प्रे वाली चीज़ आ गई ना, उसमें एक तो HFC पक्का होगा, दूसरा ये पक्का होगा PFC। ठीक है, इसका दोनों का एक साथ लिख लो, PFC और HFC का। ये एक तो लिख लो रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, परफ्यूम्स में यूज होती है, एसी गैस भी लिख लो, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब ये जब ये जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती है ना, समझते हो कौन कौन सी, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपके उसका रिमोट हो गया, हाँ, जिस जिस में इन सब में ना चिप लगती है, जिस जहाँ जहाँ पे चिप लगेगी वो चिप होती है सेमीकंडक्टर की। ठीक है, जहाँ जहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज होता है ये वहाँ से आता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो लिख लो सेमीकंडक्टर्स, अब आपको याद रहे उसके लिए मोबाइल लिख लेना, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इसके सोर्स क्या है? आपने देखे कुछ कपड़े जिन पे पानी डालो तो उन पे असर नहीं करता, कुछ टेंट्स होते हैं, हाँ वैसे वाले, हाँ नाइलन पे तो होता है, जो ज़्यादा सिंथेटिक होते हैं, है ना, वो वाले, उन कपड़ों में, उन कपड़ों से ही आता है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। लिख लो, फ्लोरिनेटेड कंपोनेंट्स कहते हैं इनको, फ्लोरिनेटेड कंपोनेंट्स, हाँ FLORONITED कंपोनेंट्स। ये सारी जो आपकी ना, ये है ग्रीन हाउस गैसेस, और जितनी खराब ये वाली बना ली है ना, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार मार्क करो। आज वाले सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब अगले पेज पे मत जाना, ये स्टोरी याद करो। ये मैंने आपको बताया था ना कि रेज आएंगी और एब्जॉर्ब होंगी, फिर वापस जाएंगी और गैस में ट्रैप हो जाएंगी। ठीक है, इनको कहते हैं क्लाइमेट फोर्सेस। ये ना फोर्सेस दो तरह की होती हैं, रुक जाओ करवा देता हूँ। फोर्सेस ना दो तरह की होती हैं, एक होती हैं पॉजिटिव फोर्सेस। पॉजिटिव फोर्सेस कौन सी होंगी? जो गैस को ट्रैप कर लेंगी, ठीक है, जो हीट को बढ़ाएंगी। उसके अलावा ना कुछ फोर्सेस होती हैं, उसको ना एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं। ये ना आगे जाके करवाऊंगा, आज ही करवा देता हूँ, आगे याद ना रहे तो। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आपने ये सुना है कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, रीज़न पता है क्यों नहीं पहनने चाहिए? जो हाँ जो ब्लैक कपड़े होते हैं ना, वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं किसके, हीट के। कंपैरेटिवली जो वाइट क्लोथ्स होते हैं ना, वो रिपेलेंट होते हैं या कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारे अर्थ के, जो मान लो वाइट सरफेस हमारे अर्थ में कहाँ होगा, बर्फ, वो वाइट होती है ना, तो वो हीट इतनी अब्जॉर्ब नहीं करती, तो ये हो गई हमारी रिपेलेंट। ठीक है, हाँ, तो जो एल्बिडो इफेक्ट होता है ना, वो क्या करता है कि जब उस पर, चलो कल ये अच्छे से बताऊंगा आपको एल्बिडो वाला, उसमें होता कुछ नहीं है, जब वो हीट उस पर आती है ना, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो उसको कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। हाँ, आइस पे आती है, वो एब्जॉर्ब हुए बिना रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, उसको कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। लिख लो, आज ही लिख लो, नोट बना लो, यहाँ पे रुक जाओ, नोट बाद में बनाते हैं, क्लाइमेट फोर्सिंग के बाद बनाते हैं। चलो लिखो अब नेक्स्ट पेज पे क्लाइमेट फोर्सिंग। हाँ, वो मैं बता रहा था कि पॉजिटिव फोर्सिंग कौन सी होगी, जो एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो नेगेटिव फोर्सिंग फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी, हाँ जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो इसमें क्या आएगा, एक तो आईसी आ गई है ना नेगेटिव वाले में, और उसके अलावा क्या आएगा, क्या हो सकता है,
सर्दियों में जो फॉग होती है ना, है ना, वो भी ऐसी होती है ना, वाइट वाइट स्नो हो गई, फॉग हो गई, मिस्ट हो गई, ठीक है, ये चीज़ें ये इसमें आ जाती हैं। चलो लिखो, क्लाइमेट फोर्सिंग, दीज आर द एक्टर्स, इंक्रीज का ना साइन ये होता है, ये डिक्रीज का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें बना लो पॉजिटिव फोर्सिंग, इसमें लिख लो विच इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, नेगेटिव फोर्स है विच डिक्रीज द टेम्परेचर। अब लिख लो स्टार मार्क करके एल्बिडो इफेक्ट, ALBEDO इफेक्ट, द रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ सन रेज बाय आइस, कोई बात नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है, ये तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया ना, मैंने इसलिए करा दिया आपको। क्या लिखा है, सारी लाइन बोल दो, इज नोन एज एल्बिडो इफेक्ट। ये टॉपिक हो जाता है यहीं पे खत्म। अब इसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आता है एसिड रेन। सुना है क्या होती है, हाँ नहीं वो कुछ और होता है, वो कुछ नहीं होता, ऊपर मिट्टी होती है ना, पार्टिकल्स होते हैं, तब जब बारिश होती है तो पार्टिकल्स पहले सेटल डाउन हो जाते हैं, भारी होते हैं ना, वो पहले नीचे गिर जाते हैं, दूसरी बारिश उसके बाद जो बाद वाली बारिश होती है वो नॉर्मल होती है। ये उसमें पढ़ाते हैं ज्योग्राफी में, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ पीएच का पता है, नहीं पता होगा, एक ना पीएच स्केल होता है, पी छोटी एच बड़ा, ये स्केल होता है 0 से लेके बीच में यहाँ 7 होता है और यहाँ पे होता है 14, ठीक है। जो 0 होता है ना, ये होता है हाईली एसिडिक, ये बनाते जाओ, 7 होता है न्यूट्रल, ये होता है बेसिक। आपको पता है हमारे पेट में एसिड होता है कौन सा होता है, कौन सा होता है पता है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसकी वैल्यू होती है 2 से 3 के बीच में, ये मत लिखना ऐसे ही बता रहा हूँ। अच्छा अगर कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो 7 से इधर कितना होगी, ठीक है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा इस साइड को होगी, ठीक है। न्यूट्रल होता है कि ना तो वो एसिड है और ना ही वो बेस है, ठीक है, और कितनी चीज़ कितनी बेसिक है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो 14 के कितना पास है, मतलब ये एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक। अब एसिड रेन में क्या होता है कि एसिड रेन सबसे पहले होती किस वजह से है, सबसे पहले एसिड रेन होती क्या है, जब बारिश होती है ना, बारिश में ना कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं उसके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है, इन ऑक्साइड्स की जान ये उसमें घूम रहे होते हैं ना हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होता है कि जब बारिश होती है ना तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं हाइड्रोजन के साथ H2O के साथ, तो उस वजह से क्या होता है कि उनकी रिएक्शन की वजह से
वो जब मिक्स हो जाते हैं ना दोनों, तो जो बारिश वो जो नीचे गिरती है ना हमारे एटमॉस्फेयर से नीचे, मतलब हमारे सरफेस पे गिरती है, तो वो क्या करती है कि जो जिस जिस चीज़ से एसिड की वजह से जो जो चीज़ें खराब हो सकती हैं ना, हर चीज़ खराब होती है, हमारी सॉइल खराब होती है, जो गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं ना बाहर पड़ी पड़ी, या जंग लग जाती है, जंग लगना वो थोड़ा एक अलग फिनोमेना होता है, एसिड की वजह से भी गाड़ियाँ खराब होती हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना एसिड रेन की वजह से, वो हो रहा है हमारे ताजमहल को, ठीक है। वो कहते हैं ना खराब हो रहा है ताजमहल, वो उसी वजह से हो रहा है एसिड रेन की वजह से। अब एसिड रेन ना दो तरह की होती है, एक होती है वेट डेपोजिशन, दूसरी होती है ड्राई डेपोजिशन, ठीक है। पहले एसिड रेन लिखते हैं फिर वेट और ड्राई समझाता हूँ। अच्छा, एसिड रेन की पीएच जो वैल्यू होती है ना वो 2 से 3 के बीच में रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा एसिडिक होती है वो। एसिड रेन लिखो एनी प्रेसिपिटेशन, समझते हो किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं, रेन को ही कहते हैं प्रेसिपिटेशन, दैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल। इसका बुलेट पॉइंट बनाओ, इट इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसको करो स्टार मार्क। ये पूछते हैं, ठीक है, एसिड रेन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना उसमें एक ऑप्शन ये पक्का रहा, पक्का होगा। अब एसिड रेन होती है दो तरह की, एक होती है ड्राई, ड्राई डेपोजिशन, दूसरी होती है वेट डेपोजिशन एंड वेट। इनके तो वर्ड से समझ में आ जाता है, अगर तो जो ये ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर तो वो हैं ड्राई फॉर्म में, ठीक है, तब वो कॉज करेंगी ड्राई डेपोजिशन, ठीक है, डेपोजिशन वो लिख लो डेपोजिशन। और अगर वो रेन की फॉर्म में है फिर वो कॉज करेंगे, तो ये जब मान लो जैसे कि पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है, अगर वो पार्टिकल जाके मान लो कहीं पे चिपक गए, ठीक है, तो एसिड ने तो अपना काम करना शुरू कर देगा, है ना, वो धीरे धीरे उसको जलाना या उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा मार्बल के साथ, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने आप उसको ख़राब करता रहेगा, तो वो आ जाता है ड्राई में, ठीक है, और वेट में जो रेन पड़ जाएगी। इसके लिखो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, हार्मफुल इफेक्ट्स। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, ऐसे बता देता हूँ, याद रख लेना इनको, ठीक है। ह्यूमन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हाँ, और हाँ सही जा रहे हो, और हाँ इरिटेशन हो सकती है, और मान लो किसी फूड पे गिर गई, है ना, सब्जियों पे गिर गई, अगले दिन हमने वो सब्जी खा ली, ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी हेडिंग बना लो कि इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, हेडिंग बना लो इसकी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है इससे, कैंसर भी कर देती है ये। फिर लिखो इफेक्ट ऑन सॉइल, ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट करती है, आपको याद आ जाएगा जब आपने एसिड रेन पढ़ी होगी ना, सॉइल। अब ये क्या करेगा, हमारी सॉइल को ज्यादा एसिडिक बना देगा, तो उससे क्या होगा, हाँ। फिर आता है इफेक्ट ऑन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, ये वही ताजमहल, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकता है कि मान लो किसी साल एसिड रेन इतनी ज़्यादा हो गई कि पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई, ठीक है, उससे क्या होगा, फिर अपनी इकोनॉमी ख़राब हो गई, ठीक है, और लॉन्ग टर्म जितने मर्जी इसके बनाए जाओ वो रीजंस। अब लिखो इफेक्टेड एरियाज, कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा होती है, तो ये कहाँ कहाँ ज़्यादा हो सकती है,
कोशिश थोड़ी कर रही है, असल रीज़न क्या है इसका करने का? हाँ, तो इनके सोर्सेज क्या दिखाए थे मैंने, सल्फर के क्या सोर्सेज लिखवाए थे या नाइट्रोजन के क्या सोर्सेज लिखवाए? हाँ, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे बर्न होते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारी अमाउंट में? हाँ, तो जो जो इंडस्ट्री वाला एरिया होता है ना, तो ये ताजमहल के पास वाला जो एरिया है, वो लखनऊ वगैरह है ना, वो ये सारा दूसरा वाला एरिया है दिल्ली के पास वाला, तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, उस जगह पे एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, लिख लो एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज लिख लो वहाँ पे। ये था आपका आज का दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक बनाओ अपना, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन 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 समुद्र नहीं, महासागर। हाँ, क्या स्पेलिंग लिखी आपने? ओ सी ई ए एन। हाँ ठीक है, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, डिफिकेशन। हाँ, इसमें क्या होता है कि यहीं पे आ जाओ दोबारा, एसिड और बेस। इसमें ना पिछली बार क्या हुआ था कि हमारी पीएच वैल्यू आ गई थी 2 से 3 के बीच में। जो ओशन होता है ना, वो ऑलरेडी उसमें इतने सॉल्ट्स होते हैं ना, ये एसिड होता है, ये ज्यादातर ना सॉल्ट होते हैं यहाँ पे बेसिक में, इतने सॉल्ट्स आते हैं। लिख लो सॉल्ट्स। इसमें ना ऑलरेडी इतने ज़्यादा सॉल्ट होते हैं कि इसकी वैल्यू जनरली रहती है 14 या 13 के बीच में। ठीक है, एक नॉर्मल ओशन की। ठीक है, जब इसमें एसिड गिरता है ना, अब एसिड कैसे गिरेगा, एक तो उसकी वजह से, हाँ हाँ उनकी वजह से भी, दूसरा क्या होता है कि ये जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना, तो ये आयंस बनाती है, H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। अब आप साइंस के नहीं हो तो ये मैं नहीं करवाता आपको, ठीक है, वैसे समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे ज़्यादा एसिडिक होगा ना, अब इसके एसिडिक होने की वजह से, जब अगर पहले तो इसकी वैल्यू 13 रह रही थी ना, अब वो वैल्यू उसकी डिक्रीज होकर मान लो 10 तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये एसच एसिड में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा, एसिड में कन्वर्ट तब होती है कोई चीज़ जब उसकी वैल्यू 7 से नीचे आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो एसच ये एसिड में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन इसकी वैल्यू मोर बेसिक से लेस बेसिक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, इसको लिख लो, ओशन एसिडिफिकेशन किसको कहते हैं, द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशंस बाय कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसके इफेक्ट्स लिखो, क्या हो सकते हैं इसके इफेक्ट्स, क्या करेगा ये? हाँ, उसको इफेक्ट करेगा। मान लो अगर मैरीन लाइफ है, उसको इतने पॉइंट के बीच में रहने की आदत थी, ठीक है, तो वो पॉइंट धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा तो उनको इफेक्ट करेगा। दूसरे, ये जो मैरीन लाइफ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि अगर 2 से 3 डिग्री भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए ना, तो ये मर जाते हैं सारे के सारे। आपके ना इसमें टॉपिक है एक, उसका पॉलिप्स, पॉलिप्स कहते हैं एक, तो उसको पॉलिप्स कहते हैं, और एटॉल कहते हैं एक, बैरियर रीफ्स कहते हैं, जो चीज़ कहते हैं ना वो मेरे जुबान, कोरल्स, कोरल्स कहते हैं। ये सारी कोरल्स की टाइप बता के गया अभी अभी मैं आपको। कोरल्स होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये ना सिर्फ 2 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जैसे होता है 25 to 27। ठीक है, अगर 25 to 27 टेम्परेचर है, जब तक तो उतना टेम्परेचर है, और ये कोरल्स होते हैं, पता क्या, कभी आपने मूवी देखी है जिसमें वो अंडर वाटर जाते हो, कोई भी मूवी, फिश नहीं है वो ना, पत्थर होते हैं, असल में वो जिंदा होते हैं, पत्थर होते हैं, रंग बिरंगे से पत्थर होते हैं। ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखिए,
जब वो अंडर वाटर जाते हैं, सर्च कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोरल्स, देखे, आया समझ? Yes. हाँ, यही चीज, इन्हीं को कहते हैं कोरल्स। और ये इतने प्यारे होते हैं ना, अगर 2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो जाए ना, ये उसी टेम्परेचर के बीच में रहते हैं, 25 से 27 या फिर 23 से 25, ये टेम्परेचर होता है इनका। इन पे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में तो बहुत, मतलब इसको बहुत माना जाता है, इन्हीं की वजह से सब्जेक्ट बना इन्वायरमेंट, असल में इनकी वजह से बना। तो ये मतलब देखने में इतने प्यारे हैं, और ये उस पर जीते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे, ठीक है, उसकी वजह से, मतलब ये ना रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोस, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब हम करेंगे ना बायोडाइवर्सिटी, तब करवाऊंगा, तब कोरल्स भी करवाऊंगा साथ में आपको। तो अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाए ना, ये मर जाते हैं, ये वाइट पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, ये तब करवाऊंगा। अभी क्या कर रहे थे हम, हाँ, मैरीन लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, लिख लो, ये मैरीन लाइफ का पार्ट है। दूसरा लिख लो, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है इससे। अब तीसरा टॉपिक है आज हमारा, ओजोन डिप्लीशन। इतना, हाँ थोड़ी और जगह छोड़ो, इतना टाइट ना बनाओ, ओजोन डिप्लीशन। ये पता है कि ओजोन डिप्लीट हो रही है हमारी, ओजोन करती क्या है ये पता है? हाँ ठीक है। और ओजोन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये पता है? एटमॉस्फेयर के ना पार्ट्स हैं, आगे से, और स्ट्रेटोस्फीयर, नहीं हेमिस्फीयर, कोई बात नहीं, वो भी करवाएंगे, एटमॉस्फेयर में करवा दूंगा वो। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है कि ओजोन का ना डिप्लीट होना, असल में डिप्लीट पता है वो कैसे होती है, उसमें ना पोर्स बन जाते हैं। जब वो पोर्स बन जाते हैं ना, पोर्स से फिर जो हमारी यूवी रेज होती है ना, वो पास ऑन कर जाती हैं, ठीक है, पास ऑन कर जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो यूवी रेज है ना, अगर वो फिल्टर होके ना आए ना, तो वो स्किन कैंसर करती हैं, और बहुत सी डिजीज होती हैं वो कॉज करती हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए ओजोन बनाई गई है। ओजोन में अगर पोर्स हो जाएंगे या डिप्लीट हो जाएगी ओजोन, तो उससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए हमारा क्लाइमेट चेंज में नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन। इसको लिखो, इस कहते किसको है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू हेलोजेंस, हेलो कार्बन्स। हेलो कार्बन्स किनको कहते हैं? मीथेन याद है, CH4, ये ना ऐसे होता है कार्बन के, ना ऐसे लगा होता है ये, ठीक है। अब जो हेलोजेंस होते हैं ना, हेलोजेंस वो होते हैं, जैसे हो गया फ्लोराइड, फिर हो गया क्लोराइड, ठीक है, और भी होते हैं ब्रोमाइड शायद, छोड़ो ये तो इम्पोर्टेंट है, फ्लोराइड का फॉर्मूला शायद सिर्फ रहता है। तो ये क्या करता है, ये जो Cl होता है ना, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हेलोजेंस। और ये ओजोन डिप्लीट होती है किनकी वजह से, क्या लिखा हुआ था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, पीछे लिखवाया था मैंने जब ग्रीन हाउस गैसेस करवाई थी ना, वहाँ करवाया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो। थोड़ी सी साइंस समझाने लगा हूं, नोट मत करना, समझ लेना, अगर ना समझ आई ना, फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
ये जो डिप्लीट होती है ना वो बताने लगा हूँ कि कैसे डिप्लीट होती है। जैसे कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC है, ठीक है, इस पर पड़ेंगी जब यूवी रेज पड़ेंगी ना, ये ऐसे ही बना लो ये, तो उसका क्लोरीन का जो एटम होगा ना वो अलग हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, जुड़ा हुआ था ना, इसके साथ जुड़ा हुआ था। मान लो हमने स्प्रे की ना, जब स्प्रे की तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन चला गया एटमॉस्फेयर में, उस पर पड़ी यूवी रे पड़ने की वजह से क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन होएगा ना, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, नहीं नीचे बनाओ इसको, नीचे, अच्छा नीचे बनाओ इसको, ये यूवी रेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे पड़ी, उससे क्या होगा क्लोरीन का एटम अलग हो गया। ये जो अलग हुआ था ना क्लोरीन का एटम, ये इसके साथ रिएक्ट कर गया ओजोन के साथ, ठीक है, इसने क्या बना दिया Cl2 और O2, इसने ये बना दिया। और यही से ओजोन हमारी डिप्लीट होनी शुरू हो गई। ये देखो ये ओजोन थी ना, ये डिप्लीट हो गई, ठीक है, ये यहां पे डिप्लीट हो रही है। जो ये बना ना फिर आगे, ये क्या करेगा कि हमारे ना क्लाउड्स होते हैं कुछ, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक STROTOSPHERIC स्ट्रेटो STRA है ना, स्ट्रेटो STRATO स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ये ना स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं, ये करवाऊंगा। अच्छा, ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, ये 12 किलोमीटर से 23 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, लिख लो, ये भी लिख लो। इनको ना मदर ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, इन क्लाउड्स को। इनमें ना क्लाउड्स हैं तो इनमें वाटर होगा, ठीक है, वाटर होता है, वाटर के साथ होता है इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 और साथ में होता है इनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मत लिखो H2SO4, ठीक है। जब ये मॉलिक्यूल जो था ना, ये इनके साथ जाके रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि एक ना कंपाउंड बन जाता है CLO NO2, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाता है बहुत ज्यादा साइंस होगी। तो ये कंपाउंड क्या करता है कि ये ना ये जो क्लाउड्स होते हैं ना स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इनकी ना ड्यूरेशन होती है, मतलब जब तक तो ये कंपाउंड उसमें रहेगा, ठीक है, इस कंपाउंड की वजह से ये क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, जब तक तो ये रहेगा उसमें, ठीक है, जब तक डिप्लीट नहीं होएगा पूरी तरीके से, तब तक ये जो क्लाउड्स है ना ये रहेंगे हमारे। ये असल में पता है कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स के ऊपर बनते हैं ये क्लाउड्स, और बनते किसकी वजह से हैं, जब ये इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, ये एटमोसफेयर में होते हैं, इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वो क्या करता है ये क्लाउड्स बनाता है, कौन से वाले जो भी लिखवाए, ठीक है। और ये क्लाउड्स कब तक रहते हैं, जब तक ये बना रहेगा, जब तक ये बना रहेगा ना, और ये क्लाउड्स क्या करते हैं, ये अपनी ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो वो बन गए हैं, होल्स बन गए हैं ओजोन लेयर में, वो क्यों बन गए हैं, क्योंकि ये वाले क्लाउड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और ये क्लाउड्स वहाँ पे बन रहे हैं, किस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो हमारी एटमोसफेयर में ये चीज़ है उसके साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट करने की वजह से वो क्लाउड्स बना रही है, क्लाउड की वजह से वो हो रहा है, ठीक है।
ये पूरी कहानी थी। इसका ये लिखो कि इन क्लाउड्स की वजह से, एक तो मदर ऑफ पर्ल्स लिखी है इनको, और लिख लो इन क्लाउड्स की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, इट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन। याद नहीं रहेगा है ना, तो क्यों लिखना, आई मीन नोट्स पढ़ के फिर डरते रहोगे ये क्या आ गया। अच्छा, तो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो इस पे लोगों का ध्यान तो गया होगा ना, तो फिर उन्होंने इसके लिए कुछ किया भी होगा। तो अब लिखो वियना कन्वेंशन, वियना कहां पे है पता है, कहाँ पढ़ा था, नहीं वियना कल कहीं नहीं लिखवाया मैंने, अच्छा वैसे पढ़ा है, ठीक है ठीक है करो याद फिर। ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया पता है कहाँ पे है, फ्रांस में दिख रहा है, मैं पढ़ लेती हूँ आप अच्छे से, मतलब ऐसे ऐसे तो नहीं कि अगर मैं फ्रांस बोलूँ तो आप अमेरिका के आसपास कहीं ढूंढने चले, फ्रांस दिख रहा है, इटली दिख रही है, इटली एडी होती है, एडी सी बनी होती है, पाँव बना होता है, आज दिखाता हूँ आओ, ये देखो पाँव बना हुआ है ना, ये इटली है ठीक है, और इटली का ये रहा ऑस्ट्रिया ग्रीन वाला। ऑस्ट्रिया में आइए, वियना कन्वेंशन थी किस लिए, इसको लिख लो ओजोन, हाँ ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इसको अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड इन 1885, इन्फोर्स्ड इन, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन्फोर्स्ड इन 1888, उसके बाद लिखो इंडिया बिकेम मेंबर इन 1991, ये ना लीगली वाइंडिंग नहीं थी, लिख लो दूसरा, इसने ना ये तो बोल दिया कि हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना कैसे है वो ये बता के नहीं गई है ना, वो बता के नहीं गई ये रीजंस। उसके बाद क्या होती है कि एक और प्रोटोकॉल होती है जो मैं आपको कल कह रहा था कि आगे करवाऊंगा, वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बाद आती है। ये कहां पे शुरू हुई थी, सिंगापुर में, हाँ 1987, और केम इनटू फोर्स इन 1989। इंडिया इसका मेंबर बनता है 1992 में। इसमें क्या कहा जाता है कि हर कंट्री ना अपने अपने टारगेट सेट करो, ठीक है वही सीबीडीआर वाला, कि हर कंट्री अपने अपने टारगेट सेट करो, और साथ में लिख लेना सीबीडीआर, देखो एवरी कंट्री वाज गिवन अ टारगेट, अच्छा टारगेट दिया जाता है सारी कंट्रीज को अलग अलग, गिवन अ टारगेट टू डिक्रीज इट्स ओजोन डिप्लीशन। ब्रैकेट में लिख लो CBDR, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR।
डी आर। अच्छा, इसमें ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया, लिख लो, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरो सी एफ सीज वर डिसबैंडेड। And HFCs, hydrofluorocarbons, were introduced. इन दोनों के ना 197 members हैं। हाँ, दोनों के। इसके भी 197, उसके भी 197. Members कभी नहीं पूछते। बहुत पहले पूछा करते थे, पूछना छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। बहुत पहले पूछा करते थे। अब नहीं पूछते। इसके बाद आता है किगाली एग्रीमेंट, किगाली के आई जी ए एल आई। रवांडा सुना है? रवांडा अफ्रीका की कंट्री है, रवांडा, उसकी ये कैपिटल है किगाली। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। इसमें क्या किया इन्होंने कि कंट्रीज के ना तीन ग्रुप्स बना दिए, ठीक है? तो लिखो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में कौन सी कंट्रीज थी? ये आई थी 2016 में। इसमें ना उन्होंने तीन ग्रुप्स बना दिए कंट्री के। फर्स्ट ग्रुप वालों को बोला, फर्स्ट ग्रुप में थी डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड वाले में थी, रुक जाओ अभी लिखना मत कुछ भी, सेकंड में थी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, और थर्ड में गरीब वाले, ठीक है? तो जो फर्स्ट वाले थे, क्योंकि उन्होंने पहले डेवलप कर गए थे, तो वो ऑलरेडी कितना सारा पॉल्यूशन कर चुके थे, तो उनको क्या बोला कि आप तो अभी से कट करना शुरू कर दो, ठीक है? दूसरे जो सेकंड ग्रुप वाले थे, उनको कुछ टाइम दे दिया कि आप अभी तक यूज कर लो, हाँ, या उनको रिड्यूस कर दिया कि आप ना कम यूज करो। और जो तीसरे वाले थे, हम तीसरे वालों में आते हैं, हमें बोल दिया कि आप करते रहो, अभी फिलहाल आपकी डेट ना हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद आप कम करने शुरू कर देना। तो लिखो ग्रुप वन, इसमें आ गए डेवलप्ड इकोनॉमीज, इनको बोला कि आप अपने एचएफसीज जो है ना टू फेज आउट, एचएफसीज फेज आउट, पीएचएएससी एचएफसीज बाय 2019। ग्रुप टू में आ गए इमर्जिंग इकोनॉमीज, इसमें आते हैं चाइना और ब्राजील, ऐसे देश। इनको बोला कि दे विल स्टार्ट टू फेस डाउन एचएफसीज by 2024 and reduce it to 20% of 2021 levels, 20% of 2021 year है ना, जो उसके जो लेवल्स है ना, उसका 20% तक आपने रिड्यूस करना है। कब तक करना है? बाय 2045, ठीक है? मतलब इतना लंबा टारगेट दे दिया इनको। फिर हम आते हैं हमारी बारी, थर्ड ग्रुप, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, साउथ अफ्रीका, ऐसे आ जाते हैं, ठीक है? इनको बोला कि दे विल स्टार्ट phasing down HFCs by 2028 and reduce it to 15% of 2026 levels by 2047.
ये सारा आ गया हमारा। नहीं नहीं नहीं, इनको बोला कि आप 2026% तक तो आप करते जाओ, ठीक है, एमिशन नहीं 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 आज से स्टार्ट कर दो, तो आप 2028 तक आप करते जाओ, ठीक है, एमिशन करो, ठीक है। उसके बाद 2028 के बाद आपने पता क्या करना है, जो आपका एमिशन होगा ना उसको 15% रिड्यूस करना है जितना आपका एमिशन 2026 में था। उस दिन से, हाँ, 2028 से आपने शुरू हो जाना है रिड्यूस करते हुए, ठीक है। कब तक रिड्यूस करते जाना है, कहाँ तक रिड्यूस करना है कि जो 2026 का जो लेवल था ना उसका 15% रिड्यूस करना है, और उसका जो रिड्यूस करने के बाद लिमिट आपकी कब तक आपने उसको रिड्यूस तक लेके आना है वो है, वो लिमिट दी है 2047, ठीक है। अब ये सारा हो गया अपना क्लाइमेट चेंज। अब इसके इम्पैक्ट्स लिखो, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स। नोट्स तो आपने बना लिए पेजेस में, पर वो फिर नहीं छोड़ा मार्जिन। इसमें तो वैसे होगी नहीं। चलो अब इम्पैक्ट क्या होते हैं, एक तो एग्रीकल्चर पे होता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, समझा देता हूँ कैसे होता है, आपको पता भी होगा कैसे होता है। क्या था हमारा, एसिड रेन थी, अब एसिड रेन एग्रीकल्चर पे पड़ेगी तो ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो कई बार क्या होता है कि अभी जो जनरली हो रहा है, जो हम वो उगाते हैं, वीट उगाते हैं, कई बार क्या होता है कि जल्दी पक जाती है ना, कई बार क्या होता है कि जब पकी हुई होती है ना फिर बारिशें आ जाती हैं, जैसे पिछले साल आई थी, ठीक है, तो वो किस वजह से आते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो जो बारिशें आ रही हैं उस वजह से ख़राब हो रही है, सॉइल ख़राब हो रही है, उस वजह से अपना एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आ गई एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। रेनफॉल गलत टाइम पे हो रहा है, इस बार भी हुआ, ये हर साल से ही होता आ रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। फिर राइज इन सी लेवल, ये कल समझाया था ना मैंने आपको, जब क्रायोस्फीयरिक वाली बात, हाँ, ठीक है, उस वजह से, हाँ, तो उसका जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, और उससे क्या होता है, सी लेवल राइज होने से, हाँ, और उससे क्या होता है, लॉस इन, चौथा लिख लो, लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी समझते हो, ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब इस पेज को छोड़ दो, अब आओ नेक्स्ट पेज पे। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कोल जला रहे हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल जला रहे हैं या अदर फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना कोल की वजह से होता है, ठीक है। अब कोल क्योंकि सस्ता है तो हम इंडिया में वही ज्यादा यूज करते हैं, इंडिया छोड़ो बाकी जगह में ज्यादा यूज वही होता है, तो उस कोल की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है ना, तो उसका हमने ना कुछ कुछ तरीके निकाले हैं ताकि उस पॉल्यूशन को कम किया जा सके, उन्हीं तरीकों को कहते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी लिखो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। इसके आगे ए पॉइंट बनाओ, नहीं नेक्स्ट लाइन में, हाँ ए पॉइंट बनाओ, लोकल वॉशिंग। इसमें क्या करते हैं कि कोल को ना वॉश कर लेते हैं पहले, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कल हम करेंगे पॉल्यूशन, ठीक है, तो पार्टिकल्स बताऊंगा आपको कल की कौन से होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, 2.5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, ये आँखों से दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं, तो ये ज़्यादा वो करते हैं पॉल्यूशन, तो ये जो होता है ना कोयले पे वो काली काली जो हमारे हाथ में लग जाता है ना, वो वही होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, मटीरियल्स या मैटर, तो उनको क्या कहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ना हम उसको वॉश कर लेते हैं पहले ही,
ठीक है, तो ये टेक्निक लोकल वॉशिंग का मतलब ये होता है। लिखने का नहीं जरूरत, या अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि वॉशिंग ऑफ कोल। सेकंड लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, डिक्टेटर्स। इसमें क्या करते हैं कि ये ना थोड़ी साइंस वाली चीज होती है, इसमें क्या करते हैं कि कोल पे ना एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। मान लो ये कोल है, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इसको डुबा देंगे उसमें सॉल्यूशन में, ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ठीक है। जो कोल की इम्प्योरिटीज होंगी ना, या जो पार्टिकल्स होंगे, वो आके ना इस पे चिपक जाएंगे सारे, ठीक है। तो जो इसकी इम्प्योरिटी होगी वो इस पे चिपक जाएगी, ये जो अपना कोल होएगा ये प्योर कोल हमें मिल जाएगा, ठीक है, इसको ये कहते हैं। इसमें लिख लो आप रिमूविंग द इम्प्योरिटीज बाय इलेक्ट्रिक मेथड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा लिखो गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन। इसमें ना वो करते हैं स्टीम या हॉट प्रेशर की ना एयर होते हैं ना, उसको इस पे मारा जाता है, ठीक है, कोल पे। तो जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो साइड में हट जाती हैं। अब हटती कैसे मुझे नहीं पता, ठीक है, तो वो हट जाती हैं, करते होंगे कुछ ना कुछ, कोई टेक्निक होगी इनकी, तो वो हट जाती है और जो अपना प्योर कोल है वो हमें मिल जाता है, ठीक। उसके अलावा एक होते हैं वेट स्क्रबर्स, चौथा लिखो स्क्रबर्स, वेट WET स्क्रबर्स। ये ना सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं एसिड, उससे क्या कहते हैं, कोल में से वो रिमूव ऐसे करते हैं। वेट स्क्रबर में ना वो होता है लाइमस्टोन होता है और वाटर होता है, इन दोनों को मिक्स करके ना उसके ऊपर स्प्रे करते होंगे या किसी तरह से उसको स्क्रब करते होंगे, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो उसके साथ वो कंबाइन कर जाता होगा, उनके साथ रिएक्ट कर जाता होगा और वो कुछ और बन के ना वो रिमूव हो जाता होगा वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा ना कुछ टर्म्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली लिखो, अच्छा ये टॉपिक ना आप यहाँ पे मिटिगेशन में ही, सेकेंड टॉपिक है ये, हाँ सेकेंड है। इसमें लिखो कार्बन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, हाँ ये कल कराया था याद है, क्या होता था उसमें ट्रेडिंग में, होता क्या था, हाँ, तो इधर ब्रैकेट में लिख लो क्योटो प्रोटोकॉल, आपको याद रहेगा कि ये चीज वहां से पढ़नी है, ठीक है। अब थर्ड लिखो कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट वही चीज होती है कि जैसे आपने कम वो किए थे ना, आपका सरप्लस हो रहा था, आपने एमिशन कम किया था, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ हाँ, तो ये कार्बन क्रेडिट वो वाला है, ठीक है। ये भी कल क्योटो प्रोटोकॉल में कराया था, ठीक है। अब लिखो कार्बन टैक्स, अब समझे वो कल वाली चीजें क्यों कराई थी मैंने, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी कराने। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स वही टैक्स होता है जो कार्बन के ऊपर लगता है। इसमें अलग अलग टैक्स आ जाते हैं, जैसे सेस आ जाते हैं इसमें, जैसे ना जब आप बिजली का बिल देते हो ना, तो उसमें ना एक एनवायरमेंट सेस पहले लगता होता था, अब पता नहीं लगता है कि नहीं लगता, पहले लगता था, ठीक है। तो एनवायरमेंट सेस आ गया, या सेस पता है क्या होते हैं, सेस छोटे टैक्स होते हैं जो लगते हैं, ठीक है, उनको सेस कहते हैं। कॉमर्स में होता है ये तो लॉ में भी होता है, तो लॉ में भी होता है ये तो सेस, चलो कोई बात नहीं, छोटे टैक्स को सेस कहते हैं, ठीक है। अब लिखो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, सीक्वेस्ट्रेशन,
S E Q U E S T R A T I O N. इसमें ना तीन मेथड होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं. देखो पहला स्टेप, पहला स्टेप होता है ट्रैपिंग एंड सेपरेटिंग, एंड सेपरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर गैसेस. सेकेंड स्टेप लिखो ट्रांसपोर्टिंग दिस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू अ स्टोरेज लोकेशन. कार्बन डाइऑक्साइड टू अ स्टोरेज लोकेशन. थर्ड लिखो स्टोरिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड फार अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. पढ़ के देखो समझ आए, ये इंपॉर्टेंट है. रुक जाओ, अभी रुक जाओ. कार्बन ट्रेडिंग पे मार्क करो स्टार, कार्बन टैक्स पे मार्क करो स्टार, सीक्वेस्ट्रेशन पे मारो स्टार मार्क करो. इसके अलावा पीछे रह गया कहाँ, स्टार मार्क करना भूले हैं. किगाली एग्रीमेंट पे स्टार मार्क करो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे स्टार मार्क करो, ओशन एसिडिफिकेशन पे स्टार मार्क करो, एसिड रेन पे स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो यहाँ पे एसिड रेन पे. सबसे इंपॉर्टेंट एसिड रेन है, ठीक है. अब आ जाओ वापस वहीं पे पहुंचो. अब मैंने कल बताया था ना कि इस पे इंडिया ने भी कुछ ना कुछ किया होगा. अब इतना कुछ हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इंडिया भी कुछ ना कुछ करेगा ना. इंडिया हर जगह पार्ट लेने तो पहुंच जाता, मैं लिखवा देता हूँ कि इंडिया मेंबर है, तो कुछ ना कुछ करता होगा ना उसके लिए. तो लिखो इंडिया स्टैंड ऑन, नेक्स्ट पेज पे लिखो, हाँ, इंडिया स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज. सबसे पहला लिखो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इसमें ना इसकी आठ प्रोग्राम्स चलाए हैं इंडिया ने, ठीक है. आठ में से दो इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट है. तो इस ये शुरू हुआ था 2008 में, लिख लो स्टार्टेड इन 2008. ये क्या कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करो, ठीक है, और उनको इंप्लीमेंट करो प्राइवेट पार्टनर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे, ठीक है. देखो इट डिपेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड इंप्लीमेंट इट थ्रू पीपीपी. लिख लो फिर फुल फॉर्म भी लिख लो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये पता क्या होती है? हाँ, वही होगी. ये हमारी जो सड़कें बनती है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनती हैं. अच्छा, इसके ना चार फोकस एरियाज थे, वो लिखो, फोर फोकस एरियाज. सबसे पहला है ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, दूसरा है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, तीसरा है एनर्जी एफिशिएंसी, चौथा है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन.
नेशनल एक्शन प्लान जहाँ पे लिखा है ना उधर वहाँ लिख लो इसके, उसमें NAPCCB कहते हैं इसको, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब इसका लिखो जो इसका था पहला मिशन, पहला प्रोग्राम था, मिशन पहला है नेशनल सोलर मिशन, इस पर डबल स्टार मार्क करो, सोलर मिशन क्या हो सकता है ये, हाँ मिशन, हाँ ये मिशन हैं सारे, 8 मिशन, हाँ सोलर सिस्टम लगाने। तो इसमें इन्होंने बोला था कि ये क्या करेंगे, सबसे पहले ना इन्होंने अपना टारगेट रखा, लिखो पहली लाइन, इन्होंने अपना टारगेट रखा कि ये 2000 शुरू हुआ था, ये 2010 में लिख लो, स्टार्टेड इन 2010, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला टारगेट रखा, सबसे पहले इन्होंने टारगेट रखा कि हम क्या करेंगे, जो 20 GW है ना अपनी एनर्जी वो हम बनाएंगे सोलर से, कब तक, 2022 तक, ठीक है, हाँ लिखो, इट इनॉग्रेटेड इन 2010 विद द टारगेट ऑफ 20 GW, गीगावाट, सारी लाइन बोलो, सारी लाइन बोलो, गीगावाट, गीगावाट, GW, बाय 2022। उसके बाद ना इनका मूड चेंज हो गया, ये कहते कि हम ना, इन्होंने अपना टारगेट इंक्रीज कर दिया, ये कहते कि हम ना 20 GW नहीं बनाएंगे, हम ना 2022 तक ना 100 GW सोलर मिशन से बनाएंगे, जनरेट करेंगे एनर्जी। और ये मिनिस्ट्री लिख लो, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने ना, वैसे बता देता हूँ लिखना मत, इन्होंने ना 2019 के एंड तक ना 63 GW तक ऑलरेडी बना कर चुके थे, ठीक है, और अब ये कंप्लीट हो चुका होगा जितना मुझे लगता है 2022 तक। अच्छा उसके बाद ना इसी के अंदर लिखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस पे भी मार्क करो स्टार, इस पे अगर कोई क्वेश्चन आना हुआ ना तो अभी बताता हूँ कौन सा आएगा। ये किसके साथ था ये पता है, कौन सी कंट्री के साथ, हमने फ्रांस के साथ, तो जो क्वेश्चन आना होगा ना वो यही आएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा किसके साथ है, तो किसके साथ है, फ्रांस के साथ, ठीक है। अच्छा अब लिखो सेकंड मिशन, नहीं अगले पेज पे लिखो, हाँ वो मिशन भी, ये वाला मिशन भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड वाला स्टार मार्क कर लो इसको, सेकंड मिशन है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, NMEEE, इसको अप्रूव किया था 2010 में, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। इसमें ना चार प्रोग्राम्स थे, लिख लो, पहला परफॉर्म, पहला परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ट्रेड। इसमें पता क्या हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा ना जो हमने क्योटो प्रोटोकॉल किया था ना थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है, उसमें क्या किया कि इंडिया ने ना अपनी जो इंडस्ट्रीज है ना उनको सबको बोला कि आप ना अपने एमिशंस ना
मान लो 100 यूनिट से कट करो, ठीक है। अब मान लो जैसे अगर वो पहले 500 यूनिट्स यूज़ करते थे, ठीक है, उनको बोला 100 से कट करो, मतलब अब उनको करने हैं 400 तक, है ना। अब बीच में कुछ होंगे जो जिनका काम 350 में अपना चला लिया होगा, है ना, अब कुछ होंगे जिनका 450 तक पहुंच गया होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस, उन्होंने परफॉर्म किया, कहाँ तक पहुँचे, 350 तक, अपना टारगेट अचीव किया, 100 को कट किया, आगे क्या है, ट्रेड। अब जो इसके पास 50 का सरप्लस बच गया ना, उसको इनको बोला कि आप ट्रेड कर लो, जिनका बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यही था। अब इसमें लिखो, यही लिखो कि जो जब ये ट्रेड करते थे ना, तो जिनका मान लो जिन अगर इन्होंने 50 अपने यूनिट्स बचा लिए ना, तो इनको ना मिलता था ES certs, ठीक है, ये मिलता था। इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, दिखवाऊं ये, अगर तो याद रख लोगे फिर तो रहे। हाँ हाँ, ये एग्जांपल नोट कर लो अपने अपने तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर दो। अब इसका सेकंड प्रोग्राम लिखो, वो था मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो अपनी मार्केट है ना, उसको ट्रांसफॉर्म करो, मतलब आप अपनी जो अप्लायंसेस लेके आते हो ना, वो कुछ ऐसे तरीके के लेके आओ कि वो या तो 3-स्टार रेटिंग हो, उनकी एक ना रेटिंग डिसाइड करो, उस रेटिंग को कहते थे BEE रेटिंग, ठीक है। उस रेटिंग से मतलब आप अपने इक्विपमेंट्स को इतने बेहतर बनाओ कि वो एनर्जी कम यूज़ करें, जैसे 3-स्टार रेटिंग आती है, 5-स्टार रेटिंग आती है। बीच में ये उन्होंने प्लान शुरू किया था ना, एक उज्ज्वला स्कीम शुरू की थी कि LED बल्ब्स देने हैं सबको, है ना, और वो LED बल्ब्स कौन से होते थे, 5-स्टार वाले, है ना। तो वो जो स्टार रेटिंग थी वो कौन प्रोवाइड करवाता था, BEE। इन्होंने एक ब्यूरो बनवाया उसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा लिखवा देता हूँ ये। अब मतलब समझे, मैंने कहा था ना कि इनके मतलब इनके नाम में ही होते हैं, तो इसका नाम क्या है, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, कि आप अपनी मार्केट को ही ट्रांसफॉर्म करो, कि जो बुरे वाले, हाँ जो बुरे वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके ही मत आओ मार्केट में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए ना एक ब्यूरो सेट किया, लिखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सेटअप अ ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और ये क्या देता था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लिख लिया, हाँ ये देता था BEE रेटिंग कुछ अप्लायंसेस को देता था। अप्लायंसेस हो गए जैसे AC, इन्वर्टर AC, कलर TV,
रेफ्रिजरेटर्स, गीजर्स, फ्लोरोसेंट लैंप्स एटसेट्रा। अब इसी में थर्ड मिशन लिखो, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। और साथ में फोर्थ लिख लो, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों का काम ये था कि अब मान लो हम ये रेटिंग वगैरह लेके आ रहे हैं ना, तो उसके लिए अब हमें पैसे भी चाहिए होंगे ना, कि उस तरीके से अगर हमने वो इक्विपमेंट्स बनानी है, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। उस पैसे के लिए कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे हमें, ठीक है। उन इन्वेस्टर्स को लाने के लिए या उनको ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आपका पैसा अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो वो डूबेगा नहीं, तो उसके लिए ये दोनों सेट किए थे, ठीक है। ये जो सेकंड वाला था ना, अब यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लिखो जो थर्ड मिशन था हमारा एक्शन प्लान के अंदर, जो थर्ड वाला था ना वो लिखो, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? नहीं, जहां पे रहते हैं ना उस जगह को हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल हैबिटेट क्या हो गया? नेशनल मिशन ऑन मतलब कि अच्छी अच्छी कॉलोनीज बनाना, ठीक है, और उनको इस तरीके से बनाना कि सैनिटेशन की वहां पे ध्यान रखना, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इन चीजों के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? कोई प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया हो कि सफाई हो, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान हो गया और स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ठीक है, डिजिटल इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, इंप्रूवमेंट इन बिल्डिंग एंड अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग समझते हो? हाँ, उनकी प्लानिंग कि अच्छे तरीके से उसका वो हो जाए, सैनिटेशन अच्छी हो उनकी, ठीक है, उसको गया। हाँ, वो अब इसमें जो मिशंस इंडिया ने लॉन्च किए ना वो लिख लो, प्रोग्राम्स अंडर दिस मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम, और एक और लिख लो, अमरूत, AMRUT, कैपिटल में लिखना, AMRUT, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, अटल मिशन ऑन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आठ के आठ मिशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट टू है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम थर्ड कर रहे हैं, अब लिखो फोर्थ, लिखो नेशनल वाटर मिशन। ये क्या हो सकता है? हाँ, क्या होगा कि
नदियाँ साफ रखो अपनी, ठीक है, लोगों के पास पानी की सुविधा हो, जस हाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पे पानी पहुँचाओ, ठीक है। इसमें मिशन लिख लो एक, नमामि गंगे, मी गंगे, गंगे गंगे, ये मिशन था गंगा की क्लीनिंग के लिए बनाया गया था। और उसके अलावा गंगा के आसपास जो जगह बढ़ती है ना, बैंक है जो गंगा का, उसके आसपास पेड़ लगाओ, ये बोला था मैंने, ठीक है। पांचवा लिखो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम। इसमें क्या होगा, ये जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ ना कि इसमें क्या होगा, मान लो जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, वहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये मैं आपकी एक्सरसाइज यहीं पे इसीलिए करवा रहा हूँ कि जो उसको पढ़ के ना आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे कि अच्छा इससे क्या हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो नहीं आता ना तो उसका तुक्का कैसे सही लगाना है वो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, हाँ उससे रिलेटेड होगा कुछ, है ना, क्या हो सकता है, सस्टेनेबल करवाया था ना कल, क्या होता है उसका मतलब, हिमालय में प्रॉब्लम क्या क्या आती होंगी, हिमालय में आइस होती है ना तो लैंडस्लाइड हो जाता है ना, ऐसी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब लैंडस्लाइड हो गया तो वहां पे हॉस्पिटल्स कितने कम होते हैं, घूमने गए हो, हाँ, तो वहां पे हॉस्पिटल्स कितने कम होते हैं, और फिर स्कूल्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो देखा था आपने, परिजात नहीं देखा, चलो छोड़ो, हाँ पाकिस्तानी है, चलो अच्छा। इसमें क्या करना है कि वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आनी है, ठीक है, तो और उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया कि अगर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा पहले से पता चल जाए, लैंडस्लाइड्स आते क्यों हैं, क्योंकि एकदम से ये बादल फट जाते हैं, बादल फटेगा इसका तो कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से फटता है, कभी भी फटता है, ठीक है। लैंडस्लाइड की दूसरी वजह होती है कि बारिश ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, एक वजह ये होती है। उसके अलावा वहाँ पर क्या किया जा सकता है कि डैम्स बनाए जा सकते हैं, ज़्यादा डैम्स बनाएंगे तो क्या होगा कि वो जो पानी का जो लेवल है ना, हाँ नहीं वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, जब पानी का लेवल ज़्यादा ऊपर चला जाता है ना, फिर वहाँ से ओवर जब पानी हो जाता है ना, फिर उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें थी, लिखना है इसका थोड़ा सा, वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ गए हो ना ये, वैसे तो इसका लेक्चर भी ऑनलाइन में दे दूंगा, कल देखा था लेक्चर, हाँ कर लिया था ना वो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, इसमें क्या होगा, हाँ ट्रीज प्लांट्स लगाओ, और ग्रीन 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 जी वाला ग्रीन, हाँ पार्क्स भी उसी में आ जाएगा, और ग्रीन इंडिया में और क्या हो सकता है, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगी, ठीक है, तो वो भी उसमें डाल सकते हैं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कम करनी है, जो इसमें असल में है ना वो बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि हमने ना अपनी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है ना, जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या चीज़ थी, सीक्वेस्ट्रेशन, हाँ मैंने उस पर ना डबल स्टार मार्क करवाया, फिर से बता देता हूँ कि कार्बन को कैच करो, कार्बन को ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट कार्बन को कहीं इतनी दूर ले जाओ कि वो एटमॉस्फेयर से दूर हो जाए, इतनी दूर पता है क्या लेके जाते हैं वो, उसको ना किसी तरीके से ना, ये जो अपने ओशंस होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट ना 40% कार्बन को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर है ना वहाँ से हट जाती है, तो वो एज ए कार्बन सिंक काम करते हैं,
हमने कार्बन को क्या किया, वो तो नेचुरली काम करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है तो वो क्या करती है, जो पानी होता है ना उसके साथ ना रिएक्ट कर जाती है, तो जो टोटल रिएक्ट करती है ना वो ऑलमोस्ट अपने पूरे एटमॉस्फेयर का 40% होती है। ठीक है, तो वो अब मतलब कि जो ओशंस हैं वो अपने एटमॉस्फेयर का 40% जो कार्बन है ना उसको एब्जॉर्ब कर ही जा रहे हैं। तो ये जब एब्जॉर्ब करते हैं ना, इस चीज़ को कहते हैं कार्बन सिंक। ठीक है, आप समझे? चलो, तो ग्रीन मिशन में क्या था कि हमने अपनी एनुअल कार्बन का 50-60% टन कम करना है। ठीक है, ग्रीन मिशन के थ्रू 50-60% ऑफ एनुअल कार्बन। नेक्स्ट मिशन लिखो, सेवंथ मिशन। सेवंथ ही है ना? नहीं, सेवंथ होएगा। हाँ, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बुक खरीद ली आपने? एग्रीकल्चर, उसमें ना बुक में ना मेरी बुक पार्ट पड़ी है आपकी, वो वाली उसमें ना एक सर्कल बना हुआ है नेशनल एक्शन प्लान, और उसके बाद ना 8 सर्कल्स ऐसे करके बने हुए हैं। मैंने तो आपको फुल फॉर्म्स लिखवाई है ना, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे नामशी करके है, नामशी ये वाली होएगी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, NMSHE, हाँ नामशी वो वाली हो गई। तो उसमें ना ऐसे शॉर्ट करके दिया है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे कुछ और दिया, मैंने कुछ और करवाया है। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म्स लिखवाई हैं, पेपर में फुल फॉर्म ही आएगी। लिख लिया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हाँ, इसमें क्या हो सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होगा? सस्टेनेबल का मतलब समझाया मैंने आपको? हाँ, तो सस्टेनेबल वो तो, हाँ तो ऐसा तो मान लो आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, जरूरी तो वो भी है ना, एग्रीकल्चर करना भी जरूरी है। हाँ, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होगा? एग्रीकल्चर को हम खराब कैसे करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कैसे खराब कर सकते हैं एग्रीकल्चर को? हाँ, ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दिए, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल दिए, स्प्रे ज़्यादा कर दी। वो जो आप स्प्रे की बात करते हो ना, वो स्प्रे असल में वही चीज़ होती है जो मैं आपको कल बता रहा था, पता नहीं आज हम बात कर रहे थे, NPK। ठीक है, NPK होता है मतलब हाँ आज ही की थी NPK। इसकी ना रेशियो होती है N फॉर नाइट्रोजन, ये अलग, ये अपनी एग्रीकल्चर वाली स्प्रे है। ठीक है, वो स्प्रे को भूल जाओ, वो है क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स वाली। ठीक है, ये फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस, ये है पोटेशियम। ठीक है, इसकी ना एक रेशियो सेट की हुई है WHO ने, WHO पता नहीं WTO ने या दोनों ने की होगी। इसकी रेशियो होती है 4:2:1। मतलब अगर अपनी स्प्रे में या जो भी हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, अगर नाइट्रोजन उसमें 4 किलो डाल रहे हैं 4 kg की, तो ये जो फॉस्फोरस है वो उसमें हम डालेंगे 2 kg और ये डालेंगे 1 kg। ठीक है, 1 kg, 4, ये टोटल हो गया 7 kg। ठीक है, मतलब अगर हम 7 kg वो डाल रहे हैं अपने खेत में, ये डाल रहे हैं, तो उसमें उसकी रेशियो ये रखनी है। हम पता है क्या करते हैं, जो हम रेशियो रखते हैं, 16:8:4। मतलब हम इस रेशियो में डाल रहे हैं, और ये पर केजी की है, मतलब पर उसकी हेक्टेयर की होगी। ठीक है, तो हम, उन्होंने पर हेक्टेयर में इतनी बोली है, हम इतनी डाल रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि जो हमारी सॉयल है ना वो ख़राब हो रही है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। थोड़े टाइम के लिए तो सही रहता है, उनको लगता है कि इससे ज़्यादा पैदावार आ रही है, थोड़े टाइम के लिए लगता है वो सही, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो सस्टेनेबल में वही चीज़ आ गई कि उन चीज़ों को एफिशिएंटली यूज़ करना है। अगर हम इस तरीके से यूज़ करते रहे तो सॉइल हो जाएगी अपनी ख़राब। ठीक है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने ना प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे चलाए हैं सॉइल हेल्थ कार्ड्स। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपकी ना हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक लैब सेट कर दिए सॉइल के लिए,
तो किसानों को बोल दिया कि आप अपने सॉइल का सैंपल लेके वहाँ पे जाओ, तो वो आपको बताएंगे कि आपको कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना पोटेशियम डालना है और कितना फॉस्फोरस डालना है, ठीक है। तो इसके लिए ये सेट किया है। और उसके अलावा उनको बोला है कि अगर पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो ना, तो उसको उस तरीके से यूज़ करो, पहले तो पता करो कि आपके उधर जो ख़राब हो रही है ना वो इंसेक्टिसाइड की वजह से हो रहा है कि पेस्टिसाइड की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ें पता करो, और वो चीज़ें पता कब चलेंगी, जब उतनी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं। दूसरा उनको बोला है कि आप ना हाइब्रिड सीड्स यूज़ करो, हाइब्रिड सीड यूज़ करोगे तो वो अच्छी आएगी, आपकी पैदावार अच्छी आएगी और इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे आते हैं नेशनल मिशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उनको किसानों को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, उनको टीच करो, और साइंस एंड टेक लेके आओ, साइंस उसमें इंक्लूड करो एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसमें ये सारे, उसके अलावा उनको वेदर की इन्फॉर्मेशन पहले से हो कि कब कौन सी चीज़ बीजनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, लिखना है इसको। हाँ, इसमें ये लिख लो, सॉइल हेल्थ कार्ड्स। जो अपना लास्ट मिशन है वो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या हो सकता है? और हाँ, नेटवर्किंग करो लोगों की, ठीक है, वहाँ पे लोगों को बताओ, उनको गाइड करो। तो ये 8 के 8 मिशन हैं। कुछ पूछना है इसमें से आपको, एक बार रिवाइज कर लो।